सुरेश यस सर आपका मीडियम क्या है हिंदी इंग्लिश सर इंग्लिश मीडियम सर सर आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम बट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फॉर इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश मीडियम सर आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट ओरिया इट इज़ अ सर सिचुएटेड नियर बिटवीन द टू बिग सिटीज लाइक कानपुर एंड इटावा एंड सर इन द मंथ इन ईयर 1998 इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इटावा एंड सर हैविंग सेवन ब्लॉक्स राइट नाउ सर सर रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट चीफ चेयरमैन सर सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ व्हाट इज योर हॉबी सर माय हॉबीज इज टू सर सोलो ट्रैवलिंग एंड सर लिसनिंग पोएट्रीज सर रिसेंट टू थ्री डेज बिफोर आई वॉज इन मथुरा एंड सर टू मंथ अगो आई वॉज इन सर हरिद्वार एंड श्रीनगर हरिद्वार एंड सर हरिद्वार सर सर नॉट द पार्ट ऑफ बुंदेलखंड बट इट नियर अबाउट द बुंदेलखंड रीजन सर बुंदेलखंड इज सिचुएटेड इन द नियर अबाउट सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू एंड सर हैविंग डिस्ट्रिक्ट लाइक महोबा फ्यू डिस्ट्रिक्ट सर इट हैव विद द मध्य प्रदेश एंड फ्यू विद द उत्तर प्रदेश सर इन इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश हैविंग डिस्ट्रिक्ट लाइक महोबा एंड सर ललितपुर नियर अबाउट द एंड सर इन मध्य प्रदेश सर देर लैक ऑफ इशू देर लार्ज नंबर ऑफ इशू ऑफ वाटर क्राइसिस ओवर देयर सर डेवलपमेंट इज नॉट देयर एंड सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी पुअर इन द बुंदेलखंड रीजन सर एंड हाउ कल्चरली बुंदेलखंड रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ यूपी सर बुंदेलखंड जो रीजन बुंदेलखंड रीजन इज मेनली इंक्लूड मेनली द पार्ट ऑफ महोबा हैविंग चंदेल डायनेस्टी रूल्ड बाय द चंदेल डायनेस्टी एंड सर द लार्ज नंबर ऑफ मोन्यूमेंट साइट्स लाइक सर ओवर देयर आपको पता है मैंने क्या पूछा है सर दैट आई एम नॉट एबल टू नॉट नो सांस्कृतिक पहचान बताइए बुंदेलखंड की कल्चर सर आई एम नॉट एबल टू सर फर्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर इशूज देयर सर कम्युनल वायलेंस इज बिग इशू सर डेवलपमेंटल इशूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज सर एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट वेरी गुड अप एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स एंड सर कास्ट पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ओवर देयर सर इन जनरल कैटेगरीज दैट इज अनरिजर्व सर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड सर ईडब्ल्यू एस काइंड ऑफ थिंग गिव देम प्रमोट देम बाय गिविंग सर्टेन काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन दैट शुड बी प्रमोटेड अकॉर्डिंग टू मी सर सिर्फ जो रिजर्वेशन मिला है वो सिर्फ मार्किंग का मिला हुआ है आपको लगता है कि और भी बेनिफिट्स देनी चाहिए सर जैसे सर इफ वी टॉक अबाउट सी आर पी एफ फोर्सेज सर देर इज अ रिजर्वेशन फॉर ओ बी सी क्लास दैट दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 27 टिल फॉर ई डब्ल्यू एस इट इज नॉट देयर सो बाय गिविंग देम रिजर्वेशन द सीट इट शुड ऑल्सो देयर एज रिलेक्शन शुड ऑल्सो बी सच थिंग्स ऑल्सो बी प्रमोटेड सर लाइक एज रिलेक्शन थिंग्स सर नॉट सर कंप्लीटली नॉट फुलफिलिंग द एम बट सर फ्यू मोर थिंग्स शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिसेंटली
who is appointed as the commissioner of police of Delhi? Sir Amul Patnaik. He is retiring today. Not appointed. Sorry, I'm not able. Your first preference is CRPF. Yes, sir. And your last preference is CISF. CISF. Where do you have this CRPF academy? Sir, in Gurugram, Haryana, Kadarpur. Where? Kadarpur. And where is the academy of ITBP? Sir, I'm not. And where is the academy of BSF? Sir, BSF at Tikampur, in Madhya Pradesh. Okay. Comparing CRPF and BSF. Sir, CRPF is the most diverse force and biggest CAPF force in India, and sir, its duties are very different from BSF, sir, like riot controlling, sir, controlling insurgency like situations, militancy, and sir, crowd management things, in election duties, and sir, the work for the internal security mainly for CRPF. If we talk about BSF, sir, BSF mainly border guarding. It is the biggest world's border guarding forces, sir. Having tri command, both air command, having sir navy command too, and sir mainly protecting the border areas of India Indo-Pak region, sir. BSF teen command hai ki forces part hai. Sir, BSF is a one force having three tri command, three. Three wings. Okay. You've written that you've captained cricket team in inter branch tournament. Yes, sir. Okay. You were a captain. What are the qualities that a captain must have while leading its team? Sir, first. Five qualities. Okay, sir. First, the leadership quality he must have. Sir, to manage the whole team. And sir, because sir, and third thing, sir, he has to do his own performance to get motivated to all the players. And sir, fourth thing, sir, ki continuous sir, giving them confidence, sir. And sir, field performance is very important, because if you know that such person is very good at such particular time, then it is a very strategically very important to give. And sir, to know about the qualities of your opponent team, sir, ki what is the weakness of that point, that captain that can help the team. Difference between inter and intra? Sir, inter is the between two things, that is inter. And intra, there's a difference in within particular object, sir. Like sir. Like sir, there are two different cup. They are the agar sir, there's a quality in between any one thing, that is intra. Intra is specific in between one, inter it two different things. Okay, if we comparing two things, that is inter. If we comparing qualities, one quality within oneself, different quality within oneself, that is intra quality. Intra. Okay, if I say there is intra for bottom ha. What do you mean by this? So intra matlab sir means in your policy there is an intra for bottom. That is sir. That is means if any particular team is there. Team is fighting between, divided in two groups and fighting, playing a match within the own team, that is intra. Okay. You read also? Yes, sir. And listen poetry also? Yes, sir. What kind of poetry? Sir, Dushyant Kumar poetry, sir. And sir, recent jo new poets are there, those poetry, sir. Name. Rahat Andwari, like sir, Basir Bhadr, sir, Washim Barelvi, sir. सर दुष्यंत कुमार जस्ट वांट टू से हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज ये दीवार और पर्वत की तरह हिलने लगी है शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए एंड सर देयर वाज अ रिसेंट राइट सर आई इन दिल्ली राइट्स आई हैव लिसनड वन लाइन सर वशीम भद्र ही सेड दैट कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में लोग तरस नहीं खाते बस्ती जलाने में सुधीर मैं अब दुष्यंत कुमार की बात कर रहे थे जो आप लाइन बोल रहे थे उन्होंने उनका संग्रह निकला था यस सर किस बुक के तहत ये आई थी अगर मुझे ये लाइन लेनी हो तो मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा किस बुक को खरीदना
सर बुक आज आई एम नॉट रिमेम्बर राइट नाउ, बट सर बुक आई एम नॉट रिमेम्बर राइट नाउ सर. यू आर अ बीई? यस सर, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन. यस सर. डू यू नो अबाउट सम्राट अशोक? यस सर. सर ही वॉज द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर, रूल्ड फ्रॉम 269 BC लेट इन द एंड सर हिज रूल वॉज वेरी फेमस फॉर हिज धम्मा पॉलिसीज एंड सर कलिंगा वॉर वॉज फेमस वॉर. धम्मा पॉलिसी वॉज सर कि इन दिस पॉलिसी ही टोल्ड देयर ओल्ड सिटीजन्स पीपल टू रिस्पेक्ट द ओल्ड पीपल, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट योर वुमेन्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड सर स्प्रेड द मैसेज ऑफ टॉलरेंस टू ऑल द कंट्री मैन. इट वॉज नॉट द रिलीजियस पॉलिसी, इट वॉज अ बेसिक. वॉट इज मेन निगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ? कम्युनिकेशंस सर. कम्युनिकेशन सिस्टम इज गुड. यस सर. यस सर, बोथ सर थिंग. व्हाट इज हाई निगेटिव सर? इफ यू टॉक अबाउट सर इन आर्म्ड फोर्सेस, if sir communications, it can help you with certain intelligence. It can also by using communications your enemy can also get information about yourself. That one point. Second point. And sir in every daily person's life, communications using certain technologies, that technology can there's a research that technologies can help you, can affect your body, like especially your you are solo. I love solo traveling sir. Okay. You are from UP? Yes sir. What is tagline of Uttar Pradesh tourism? Tourism related. Sir, not able to remember right now. You told you work as a captain. Yes, in sir. Cricket. Yes sir. And you told about leadership. Yes sir. Kohli and Dhoni. Yes both sir. Happened. Yes sir. Who have much leadership? According to me sir, I according who is to better? As a captain sir. As a leadership. Sir, Dhoni is much, much better than Virat Kohli, sir. Yes, because sir, he has performed at every single point. Sir, when he had the chance of captaincy, 2007 World Cup, he got that World Cup. 2011 World Cup, he got the chance, he got that World Cup, sir. In all IPL series, whichever team he has, when he get the chance, he always perform, he make out performance to the players. I have seen sir personally sir, when a player not performing in any particular team, when he get the chance to play with Chennai Supergames, he get performs. Because he has the ability to use every particular player at the right point of time, sir. One more question. Yes, sir. Winning that title is the mark of a good captain? Sir, at the end of any particular tournament, the winning always matters, sir. And sir, he is not only the quality of winning that he has quality to perform, to make perform to from every player. That is the most good thing that I love about him, sir. Okay, wait. Just for 1 minute. Okay, 1971 war. Yes, sir. It was being led by which Indian Army general? Sir, not even remember right now. General Sam Manekshaw. He was a Sam Manekshaw, sir. He was the only army person have 5th star ranking. Only army person. Only army person. There is General Kariyappa also, who was also field marshal, because he was the second army person. Oh, sorry, to, sir. To be awarded 5-star. Okay. And by your answer, it means that Sam Manekshaw was the right person at right point of time. And that is why he was awarded field marshal rank. If he had every qualities in 1968 also he had those same qualities. Okay, there were other officers also in 1965 who had the same qualities. But just because Sam Manekshaw won it, the war, he should be given field marshal. Not sir, I'm not saying that way. I'm saying sir, ki
sorry, I'm saying, sir, in the cricket match, what matters that how 11 player play within the one or two within the that particular time, sir. If in war like situation is very complicated, very tough. From that at the time, sir, India doesn't have that kind of equipment. That war, after losing the war of 1962, India got realized that certain kind of changes needed, and India did that. Maybe that is the reason that India successful get succeed after that. After that wars, maybe the reason, sir. I am not very clear about that, sir. Okay, thank you. Thank you so much, sir.